इंट्रोडक्टरी ब्लॉग अबाउट माई न्यू बिगनिंग, जैसे कि मैंने पहले बोला। ब्लॉग सो इट्स ऑलमोस्ट 5 इन द इवनिंग और सुबह से तो एक्चुअली बारिश ही बारिश हो रही है। अभी जाके कहीं पे वेदर क्लियर हुआ और वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सो वी थॉट ब्लॉग स्टार्ट करते हैं वॉक पे जाके। सो 10-12 दिन के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑल्सो आफ्टर 10 और 15 डेज मैंने ये वाले सेटअप से ब्लॉग मतलब बनाना स्टार्ट किया है। मैं या तो एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था जो कि अपेरेंटली यूट्यूब से फिर से डिलीट हो गया, उसकी एक डिफरेंट स्टोरी है, वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। वो भी मैंने फ़ोन से ही शूट किया था, गोप्रो से नहीं किया था, तो आज सोचा गोप्रो भी निकालते हैं, ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो वेदर है आज का और काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट लग रहा है। एक्चुअली कल से और आज सुबह से अपेरेंटली बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बट अभी लेटरली बारिश बंद हो चुकी है। अभी ये पानी उड़ा के गया मेरे ऊपर, यार क्या लोग है सच में। सो एज आई वॉज सेइंग कि 2 दिन से लिटरली बहुत बारिश हो रही थी, अभी जाके कैफे बंद हुई है और ये वाला वेदर काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट है, एकदम खुला खुला लग रहा है, मज़ा आ रही है। सो एज आई वॉज टॉकिंग कि मेरा एक वीडियो डिलीट हुआ कॉपीराइट क्लेम की वजह से। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था 2 डेज बैक अबाउट माई न्यू RGB लाइट, उसका एक डिटेल रिव्यू बनाया था और उस पर अपेरेंटली कॉपीराइट क्लेम लग गया, मे बी बिकॉज ऑफ साउंड और समथिंग, और 2 दिन तक तो कॉपीराइट के साथ ही था। एंड येस्टरडे इट गॉट डिलीटेड ड्यू टू अननोन रीजंस, और मुझे मेल भी नहीं आया यूट्यूब से, एंड अपेरेंटली किसी रीजन से वो डिलीट हो गया। सो आई वॉज लाइक यू नो वॉट, लीव इट, अब हम फिर से व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सो या हियर इज़ दी होल स्टोरी रिलेटेड टू इट। अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता कि वीडियो डिलीट हो गया, सो आई हैव टू रीमेक इट मे बी सम डेज लेटर। और अभी का तो कुछ प्लान नहीं है वैसा, अभी तो पूरा कॉन्टेंट प्लान है, जैसे कि ये वीडियो का टाइटल सजेस्ट करता है, एक नई शुरुआत, सो न्यू बिगनिंग वी आर स्टार्टिंग। सो ऑल राइट गाइस, सो एज द टाइटल ऑफ दिस व्लॉग सजेस्ट, एक नई शुरुआत मतलब अ न्यू बिगनिंग। मैं कोई हिंदी का टीचर तो हूँ नहीं कि आपको पर्यायवाची शब्द बताओ। सो अ न्यू बिगनिंग मीन्स मैं एक कुछ नया चीज़ें मतलब अपने व्लॉग्स में चेंजेस करने वाला हूँ। एक्चुअली पिछले 8 महीने से मैं व्लॉग कर एंड आई वॉज प्रोसेस फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग, बट उसे कुछ नहीं हो रहा। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी मोर क्रिएटिव, टेकिंग मोर स्टैंड बाई शॉर्ट्स, चेंजिंग द टाइटलिंग, ये सब चीज़ें चेंज होगा व्लॉग में, कुछ नया देखने को मिलेगा, मोर क्रिएटिव व्लॉग्स, मोर क्रिएटिव स्टोरीज टू बी प्रिसाइज, न्यू थिंग्स आई ट्राई, एंड आई एम गोना टू हेल लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस व्लॉग। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट व्लॉग जो कि एक इंट्रोडक्शन टाइप है। सो या दैट्स इट, ये एक नया चेंज मैन है इंट्रोड्यूस किया अपने व्लॉग्स में। आई डोंट नो हाउ इट वुड बी गोइंग, बट आई होप इट गोज़ वेल। ऑल द बेस्ट टू मी। ऑल राइट गाइस, सो राइट नाउ मैं यशवंत नगर वॉक करते करते यहाँ पे आ गया, तो सोचा थोड़े टाइम यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा थॉट प्रोसेस करते हैं कि कल से व्लॉग्स कैसे होंगे। एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइस कि लास्ट एक ब्लॉग आया था बीच में, भी अपेरेंटली डिलीट हो गया, बट इतने टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। एक्चुअली कैसा होता है कि एक दिन का ब्रेक लेने जाता है और वो 10 दिन तक एक्सटेंड हो जाता है, पता नहीं चलता। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न, मे बी ये हर क्रिएटर फेस करता है, बट आई हैव टू बी कंसिस्टेंट। एक्चुअली आई एवरी टाइम मतलब मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा ब्रेक नहीं लूँगा, बट वो ब्रेक एक्सटेंड हो जाता है, बट सच में इस बार से मुझे कोई भी ब्रेक नहीं चाहिए। एक्चुअली एक दिन का ब्रेक, सो एक ही दिन का ब्रेक होगा, ज़्यादा दिन का नहीं होगा। सो या दैट्स इट, मैं अभी थोड़ा टाइम बैठा हूँ, आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। ऑल राइट गाइस, तो यशवंत नगर आए थे तो सोचा एक मुझे काफ़ी टाइम से एक शॉर्ट्स भी शूट करना था, जो कि आप लोगों ने मेरे फीड पे अभी तक चेकआउट कर ही लिया होगा। इफ़ नॉट देन डू चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ये शॉर्ट्स मेरे GoPro Hero 7 ब्लॉगिंग सेटअप के रिलेटेड था, एंड विच इज़ डेफिनेटली अ वेरी फ्यूचरिस्टिक ब्लॉगिंग सेटअप। अगर आप लोग को बड़े बड़े DSLR से ब्लॉग करना नहीं जमता, बिकॉज इट्स नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी, बट अगर मुझे जमता है, बट डेफिनेटली किसी किसी का बजट भी नहीं होता इसे ब्लॉग शूट करने का, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। बजट फ्रेंडली और काफ़ी ज़्यादा छोटा ब्लॉगिंग सेटअप है, और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी हो जाता है इसे शूट करने के लिए, एंड बड़े बड़े भारी DSLR से तो बहुत ज़्यादा हल्का है, एंड इट इज़ डेफिनेटली अ फ्यूचरिस्टिक ब्लॉगिंग सेटअप।
ऑल्सो व्लॉगिंग फ्रॉम फोन डजेंट गिव मी सेंस एनी मोर, ऑल्दो मैंने भी फ़ोन से शूट किया था, बट जब से ये वाला सेटअप आया मेरी लाइफ में आई फील लाइक व्लॉगिंग फ्रॉम दिस ओनली, मैं फ़ोन से करूँ ही ना, बिकॉज यू नो द बेसिक एक व्लॉगिंग सेटअप होता है जो बड़े बड़े व्लॉगर्स लाइक केसी नास्टार्ट मुंबई का निकल इंट्रोड्यूस किया था, वॉज दिस सेटअप नॉट फोन, ऑल्दो वो भी अभी फ़ोन से ही व्लॉग शूट करता है, बट दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ व्लॉगिंग, लाइक इसे व्लॉग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है एंड इट फील्स लाइक वी आर डूइंग समथिंग। सो गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बहुत हो गई ज्ञान की बात है, एंड दिस वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी ब्लॉग अबाउट माई न्यू बिगनिंग। जैसे कि मैंने पहले बोला, जो जो चेंजेस मैंने बोला आई ट्राई टू फिगर दैट आउट, और कैसे व्लॉग्स एक साथ कंसिस्टेंसी के साथ डालना है, एंड आई विल नॉट टेक मच ब्रेक्स फ्रॉम नाउ एज वेल। सो ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था, बट कल से कंसिस्टेंटली ब्लॉग आएंगे, डेली का प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट ऑलमोस्ट डेली आई ट्राई टू पुट समथिंग। सो इफ यू लाइक दिस ब्लॉग फॉर व्हाट्स एवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय, आओ जो। Yeah.